अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा उत्साह है आज देवास के अंदर, और उत्साह से लवरेज है कांग्रेस के कार्यकर्ता, और उत्साह से लवरेज है देवास के युवा, और उत्साह से लवरेज है पूरे देवास के मतदाता हमारे भाई बहन सब, कि आज वो घड़ी आ गई है जो नशे का नाश करने का एक हमारा संकल्प है, और जो देवास में देवास को जो मिलना था, देवास के जो अधिकार थे जिनसे देवास वंचित थे, उन सब अधिकारों को पाने के लिए आज हम संकलन कर रहे हैं, आज फॉर्म जमा करने जा रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो इतने हैं कि आपके बीच में अगर बैठ के बात करें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं कि देवास का बच्चा देवास में ही पढ़े, देवास का बच्चा देवास में ही रोजगार मिले, देवास के बच्चे के पिता माता पिता का इलाज देवास में ही हो, और एक अच्छा वातावरण रहे जो ड्रग्स से मुक्त रहे, दारू शराब जो गली गली बिक रही है उससे मुक्त रहे, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 33 साल से यहाँ पे भाजपा का राज रहा है, लगातार कायम है, तो उस पूरे भाजपा के इस अवैध गढ़ को आप कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मीडिया के सामने फिर बोलता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का विचारधारा मेरी विचारधारा है। अब की बार जो चुनाव है देवास में, जनता वर्सेस उन लोगों के साथ है जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, अब की बार चुनाव बड़ा है देवास जनता का चुनाव। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी अगर आप चुनाव में लड़ेंगे? प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, सबसे पहले नशे का नाश, नशा बेचने वालों का नाश और नशे का नाश, गली गली में जो दुकानें खुली है इनको बंद करना, जुए सट्टे से निजात दिलाना और एक अच्छा माहौल देवास को देना, उसके बाद में प्राथमिकता में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, और जो रोजगार में हमारे जो 20,000 से 25,000 लोग बेरोजगार हुए हैं जिनके प्राइवेट फंड और ग्रेजुएटी ये सब जो कंपनियों द्वारा लील गई है उनके लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाना। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? बिल्कुल कंप्लीट आश्वस्त हूँ, और बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत हो चुकी है, और अब सिर्फ खाली एक
जो हम लोगों का नियम होता है कि जाके जनसंपर्क करना, जनसंपर्क बचा है वो करना है, फॉर्मेलिटी मात्र बची है, बाकी जीत निश्चित हो गई। अरे घोषणा पत्र में मुख्य घोषणा कौन सी रहेगी आपके घोषणा पत्र में मुख्य घोषणा कौन सी रहेगी? देखिए मेरे घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर ये घोषणाएं रहेंगी। साथ में जो देवास के जनमानस आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सब बेहद सुनना चाहते हैं, उनकी कथाएं कराना देवास में, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। शंकरगढ़ पहाड़ी पे भगवान महादेव के साथ भगवान सिद्धि विनायक की 111 फीट की प्रतिमाएं बनाकर उस क्षेत्र को जो शंकरगढ़ के नाम से उसको वास्तविक शंकरगढ़ बनाना। महिला शक्ति के लिए भैया किस तरह के अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया या फिर किस तरह की आपकी सोच है महिलाओं को? देखिए कमलनाथ जी ने जो घोषणा पत्र वचन पत्र दिया है उसके अंदर महिलाओं को जो 1500 रुपये मानसिक नारी सम्मान के रूप में देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा कराना और जन जन तक उस योजना को पहुँचाना। साथ ही साथ में स्कॉलरशिप जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो सरकारी शासकीय स्कूल में पढ़ेंगे, ये सारी योजनाएं और बाल विकास योजना है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को लेकर, इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना।